आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगामी 26 जनवरी को पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मनाने जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। क्या आपको पता है कि इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद ही खास होने वाला है? इस बार क्या कुछ रहेगा खास, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। छब्बीस जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी। 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी। कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से परेड देरी से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद परेड शुरू होगी। क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? परेड कुल 90 मिनट की होती है। हर साल 26 जनवरी को सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर परेड शुरू होती है, लेकिन इस बार परेड 10:30 बजे शुरू होगी। यह परेड 8 किलोमीटर की होगी। परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर खत्म होती है। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बार भी चीफ गेस्ट नहीं आएंगे। कोरोना की तीसरी लहर और अन्य खतरों को देखते हुए इस बार भी राजपथ पर होने वाले 26 जनवरी के कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। वहीं कुछ और पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इस बीच साल 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अतिथि नहीं आने वाला। कोरोना काल के एहतियात के चलते ये फैसला लिया गया है। 51 साल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट नहीं होंगे। करतब दिखाएंगे एयरफोर्स के विमान। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस साल गणतंत्र दिवस समारोह भी बेहद भव्य और ऐतिहासिक होगा। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में अब तक का सबसे भव्य फ्लाईपास्ट दिल्ली में राजपथ पर दिखेगा। भारतीय वायुसेना आजादी के दीवानों को नमन करते हुए 75 विमानों के साथ राजपथ पर फ्लाई पास्ट करेगी। और भव्य होगा गणतंत्र दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कुल 75 विमानों के साथ अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट आयोजित होने वाला है। वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा, इस साल का फ्लाईपास्ट बड़ा और भव्य होगा। जब वायुसेना, थल सेना और नौसेना के 75 विमान गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उड़ान भरेंगे। यह आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप होगा। किस तरह के विमान होंगे शामिल परेड में? अपनी क्षमता दिखाने वाले अन्य विमानों में राफेल, भारतीय नौसेना के MiG-29K, P-8I निगरानी विमान, जगुआर लड़ाकू विमान शामिल है। भारतीय वायुसेना भी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी झांकी प्रदर्शित करेगी। इसमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अश्लेषा MK-1 रडार, राफेल, MiG-21 जैसे युद्धक विमान शामिल होंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
होगा जरूरी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में 15 साल से छोटे बच्चे या स्कूली बच्चों को आने की अनुमति नहीं होने वाली। पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होगा। दिल्ली पुलिस प्रशासन ने राजपथ इलाके में कई लेयर वाले सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस इलाके में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें लोगों के चेहरे की पहचान करने की भी क्षमता होगी। नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि आतंकी खतरे के साथ ही कोरोना संक्रमण भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। दिल्ली पुलिस ने राजपथ इलाके में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। दिल्ली में 300 से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो लोगों के चेहरों को पहचान करने की भी क्षमता रखते हैं। डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए आतंकी खतरे के साथ साथ कोरोना संक्रमण भी एक बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।